बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज मन्ना खान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्ना खान ब्लॉग। आज मौसम काफ़ी अच्छा है और मैं ये वीडियो से पहले वाली एंट्रो बना रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मैं हमेशा बनाता हूँ। और आज मैं आप लोग को कुछ खास जगह लेके जाने वाला था, लेकिन वहाँ पे जाके, मतलब कि वीडियो मैंने पहले बना लिया है, एंट्रो मैं अभी बना रहा हूँ, वहाँ पे जाके मुझे वो कुछ खास नहीं लगा। गोरखपुर का काफ़ी फेमस जगह है, जिसको ये कहा जा रहा था कि सुंदरीकरण हुआ है और भी वहाँ पे सफाइया हुई है, काफ़ी अच्छा बन गया है, बहुत कुछ उसके बारे में मैंने सुना था और कई लोगों ने मुझे रिकमेंड भी किया था कि आप उसकी वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा कि चलिए हम लोग चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं। और जब वहाँ पे मैं पहुँचा तो वहाँ पे मैंने देखा कि अभी वहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ है, और वो है सुमेर सागर के नाम से, आप जानते भी होंगे, मैं ये नहीं जानता था। और आप अगर गूगल करते हैं तो गूगल में आप जब गोलघर के पास जूम करेंगे तो वहाँ पे एक तालाब जैसा दिखेगा, पूरा पानी का बना हुआ, तो वही है सुमेर सागर। तो वहाँ पे मैं गया तो वहाँ पे मुझे दिखा कि सब कुछ वैसे ही है, वहाँ पे कोई सफाइया नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। तो चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो मैंने सोचा कि वहाँ से आप लोग को अब आगे दिखा दूँ, क्योंकि वहाँ पे कुछ था ही नहीं। तो वहाँ से मैं चला गया आपका धर्मशाला की तरफ, और धर्मशाला से रेलवे स्टेशन होते हुए मैं वापस आया। तो ये दीपावली के अगले दिन की बात है, जैसे कि आप एक दिन पहले, आज जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके एक दिन पहले की बात है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और रोड वाकई मैं कह रहा हूँ कितना क्लीन था और कितना, मतलब शांत रोड था, मज़ा आ गया आज, मतलब बाइक चला के। और चलिए आप लोग देख लीजिए, और जैसा हो आप लोग भी बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं इस वक्त गोलघर से बीजे चौक वाले रोड पे हूँ और मैं गोलघर की तरफ बढ़ रहा हूँ। और लेकिन मैं सीधे होके नहीं जाऊँगा, मुझे यहीं से मुड़ जाना है। यहाँ से मुड़ के हम लोग अंदर अंदर होके जाएंगे। और आप देख पा रहे हैं, और ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिवाली के अगले दिन का वीडियो है। और काफ़ी ज़्यादा शांति है यहाँ पे, जैसे लग रहा है कि पूरा का पूरा मार्केट बंद ही है। देख रहे हैं, कोई दुकानें नहीं खुली हैं, और कुछ दुकानें खुली हैं, और लेकिन मैक्सिमम यूँ कह लीजिए कि 100 में से लगभग 85% दुकानें बंद हैं, केवल 15% दुकानें खुली हैं। और देख ही रहे हैं, मार्केट बहुत ही ज़्यादा शांत है, बहुत ही ज़्यादा शांत है। और यहाँ पे भी आप देख लीजिए, यहाँ पे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जाम रहता था मंदिर के पास, लेकिन इस वक्त पूरा पूरा एकदम खाली खाली सा दिख रहा है। और हम लोग चल रहे हैं आगे और देखते हैं और आगे क्या है। यहाँ से हम लोग को जाना है धर्मशाला की तरफ, लेकिन हम लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे, बीच में एक जगह और मुझे देखना है। और ये आप नाम सुने होंगे सुमेर सागर का, मतलब गोरखपुर का काफ़ी फेमस जगह है। और लेकिन जितना मैंने सुना था उस तरह नहीं है, और देख रहे हैं ये पूरा जंगल झाड़ी वही है। और आप गूगल मैप में देखेंगे तो यहाँ पे पूरा पानी पानी दिखाएगा, लेकिन वैसा नहीं है कुछ यहाँ पे। मुझे यहाँ पे आने के बाद काफ़ी ज़्यादा मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ, और मैंने सुना था कि इसका सुंदरीकरण हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर अभी कोई काम नहीं हुआ है, जैसा पहले था वैसा ही है। और अब यहाँ तक कि इसकी सफाइया तक नहीं की गई है। तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, मैंने सोचा कि मैं इसको भी देख लूँ। तो मैं गूगल मैप के सहारे यहाँ पे गया था, जस्ट मंदिर के पास ही से इसका रोड है। तो अब हम लोग निकल रहे हैं धर्मशाला के लिए, और मैं आप लोग को दिखाता हूँ, धर्मशाला काफ़ी ज़्यादा बदल गया है पहले से, और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। लेकिन एक चीज़ और दिक्कत वहाँ पर एक ही है, जाम हमेशा रहता है। पता नहीं आज के दिन वहाँ पर जाम है कि नहीं, उम्मीद करता हूँ कि शायद जाम ना हो, क्योंकि आज देख ही रहे हैं मैक्सिमम दुकानें बंद है, तो हो सकता है आज वहाँ पे भी दुकानें बंद हो और जिसकी वजह से जाम ना हो। और धर्मशाला पे आपको ज़्यादा से ज़्यादातर आपको हार्डवेयर की दुकानें ही मिलेंगी, और हार्डवेयर का मतलब है कि आपको पंप सेट, लोहे, और यहाँ तक कि जो दुकानों पर लगते हैं ना सेटर, जो दुकान बंद करने काम आते, ये सब आपको मिल जाएंगे। और स्टील का सामान मिल जाएगा, जैसे रेलिंग वेलिंग लगता है घर में, वो सब सामान मिल जाएंगे आपको। आपको मैक्सिमम सामान वहाँ पे हार्डवेयर ही के मिलेंगे, और काफ़ी अच्छे रेट पे मिल जाएंगे, क्योंकि मेरा दोस्त हार्डवेयर का काम करता है, तो वो बताता है कि मैं वहीं से सामान लेके जाता हूँ। तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि धर्मशाला कितना चेंज हुआ है,
और मार्केट अगर खुला होगा तो मैं आप लोग को मार्केट दिखाऊंगा, अगर नहीं तो किसी और दिन मैं आप लोग को मार्केट दिखाऊंगा। और ये भी रोड देख ही रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चौड़ी हो गई है पहले से, पहले इतनी चौड़ी नहीं थी और लेकिन इस समय काफ़ी ज़्यादा चौड़ी हो गई। जो बाउंड्री है उसको थोड़ा सा उधर मतलब कि साइड में किया गया है और रोड भी कुछ चौड़ी लग रही है। और ये आपका ओवरब्रिज है, लेकिन हम लोग ओवरब्रिज से होकर नहीं जाना है, हम लोग नीचे होकर जाएंगे। ओवरब्रिज आपका असुरन चौक पे निकलेगा, तो हम लोग उधर तो जाना नहीं है, हम लोग को नीचे से होके जाएंगे हम लोग। तो चलिए मैं नीचे से होके चलता हूँ। देख ही रहे हैं यहाँ पे भी जो दुकानें हैं, ये सब दुकानें आपको हार्डवेयर ही की दुकानें हैं और यहाँ पे आपको पंप सेट भी मिलते हैं, और मतलब जो किसान हैं उनको लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे पंप सेट भी मिलते हैं, उसका पाइप भी मिलता है और जो डिलीवरी पाइप होता है पंप सेट के साथ वो भी मिलता है यहाँ पे। और ये हम लोग आ गए हैं धर्मशाला, देख ही रहे हैं, थोड़ा सा और आगे जाने पे आप लोग को मेन चौराहा जो है वो दिख जाएगा। और फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और देख ही रहे हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हैं, जो ये पिलर है ओवरब्रिज का इस पे। और यहाँ का मार्केट अभी खुला नहीं है और मार्केट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शांत है आज के दिन। शांत इसीलिए है क्योंकि मार्केट ही नहीं खुला है, तो शांत तो रहना ही है, नहीं तो यहाँ पे हमेशा जाम रहता है। और ये रोड वाकई मैं कह रहा हूँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में भी और चलने में भी, क्योंकि रोड सेकेंड लेन भी इसकी बन गई है उधर से आने वाली और ये टोटल कंप्लीट फोर लेंथ हो गई है, और जिसके वजह से यहाँ पे हमको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई जाम होगा और काफ़ी अच्छा स्मूथ रोड बना है। और अब हम लोग आगे चल रहे हैं और आगे हम लोग देखेंगे रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन मैंने जितनी बार रिकॉर्ड किया है आपको रात में ही दिखाया है, तो मैं आप लोग को दिन में भी दिखा दूँगा। और ये जो गेट आप देख रहे हैं, इस गेट के जस्ट बगल में जो ये रोड है अंदर, यहाँ पे आपको रेलवे स्टेशन का, जो कि अगर आप लोग कोई सामान वामान मंगाते हैं जैसे गाड़ी ओड़ी रेलवे से, तो वो वहीं पे आके मिलता है। तो जिनको नहीं पता है वो जाके वो देख सकते हैं, अगर आप कभी भी सामान मंगाएंगे तो आपको वहीं से जाकर रिसीव करना पड़ेगा। रेलवे फाइनली हम लोग रेलवे स्टेशन के पास आ गए हैं, देख ही रहे हैं। और यहाँ पे मतलब कि रेलवे स्टेशन के पास अभी नहीं, मेन गेट के पास नहीं, अभी इधर जो मार्केट है वहाँ पे हम लोग हैं। और यहाँ पे देख ही रहे हैं, यहाँ पे जो दुकानें हैं और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा शांत है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं। और यहाँ पे आप अपना फ्लैग देख ही रहे हैं, अपना तिरंगा यहाँ पे लगाया गया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में भी। और ये गेट नंबर 5 है और काफ़ी सुंदर लग रहा है अपना तिरंगा। और हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे ये बन भी रहा था महाराणा प्रताप का जो मूर्ति है यहाँ पे, अभी भी इसका काम चल ही रहा है और मुझे लगता है कि बनने के बाद काफ़ी सुंदर दिखेगा। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया यहाँ का पार्किंग एरिया है। और यहाँ के पार्किंग की एक चीज़ अच्छी बात है, अगर आप एक दिन के लिए कहीं जाते हैं तो आप यहाँ पे अपनी गाड़ी लगा के आप जा सकते हैं पूरे 24 घंटे के लिए। और क्योंकि मैंने ऐसा किया है तो मैं जानता हूँ, तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और रेलवे स्टेशन भी काफ़ी ज़्यादा बदल गया है, मुझे देखना है एक दिन, मैं आपको अंदर से भी जाके दिखाऊंगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जो सेकंड साइड है उस साइड में आपको जितनी भी दुकानें दिख रही हैं, दुकानें या फिर जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही हैं, वो मैक्सिमम जो भी बड़ी बिल्डिंग है वो सारी की सारी आपको होटल हैं। और यहाँ पर आपको होटल कम से कम रेट में मिल जाएगा। तो अगर आप गोरखपुर में कभी भी आते हैं और आपको रुकने के लिए थोड़ी भी दिक्कत होती है, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप ये रेलवे स्टेशन के पास आइए और यहाँ पे आप आके होटल ले सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। बस आपको अपनी आईडी एक लेके आनी होगी, क्योंकि बिना आईडी का यहाँ पे आपको होटल नहीं मिलेगा। और ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये रोड आपको मेन रोड में चला जाएगा जो कि यूनिवर्सिटी से मोहद्दीपुर की तरफ जाता है, तो लेकिन हम लोग उधर से नहीं जाएंगे, हम लोग इस साइड से होके जाएंगे अटल टनल होके। तो चलिए मैं आप लोग को अटल टनल का भी एक झलक दिखा देता हूँ कि दिन में वो कैसा दिखता है। मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की है लेकिन शाम के टाइम में की है, तो उतना मतलब
मैक्सिमम वहाँ पर लाइट ही बस दिख रही थी। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मूवी। किसी दिन मैं उसका फुल वीडियो बनाऊँगा, लेकिन आज नहीं, आज मैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती तो किसी और दिन। और सामने आप देख रहे हैं वो है अटल टनल, और काफ़ी सुंदर बना हुआ है ये। मैं इधर से हो के गया भी हूँ फातमा हॉस्पिटल के पास तक, तो किसी दिन मैं और जाऊँगा तो मैं इसकी वीडियो बनाऊँगा। देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और इस बगल आपकी जो भी है पटरियाँ हैं, और यहाँ पर ट्रेन भी है, ट्रेन ये चल रही है, पता नहीं आप लोगों को पता चल रहा है कि नहीं, लेकिन ये ट्रेन चल रही है। पहले हम लोग यहाँ से होके जाते थे उस पार, लेकिन जब से टर्नल बन गया है तब से इसको गिर दिया गया है, और ये अच्छी बात है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत होती थी हम लोग को उधर जाने में। तो अब फाइनली हम लोग आगे चल रहे हैं। ये रोड भी काफ़ी अच्छा हो गया है, और काफ़ी अच्छा लगता है इस रोड पे, क्योंकि ये रोड पहले थोड़ी टूटी हुई थी, लेकिन अब इसको प्लेन कर दिया गया है बना के, और काफ़ी स्मूथ है ये रोड। और जस्ट जो आगे आप ब्रिज देख रहे हैं, ये ब्रिज आपका मोहद्दीपुर से जो आने वाला ओवर ब्रिज है ये है। और हम लोग, मैं आप लोग को दिखा दूँ, यहाँ से हम लोग अगर इधर चलते हैं तो हम लोग मोहद्दीपुर के तरफ चले जाएंगे इस साइड में। ये आपका सीधे मोहद्दीपुर चौराहे पे लेके जाएगा हम लोग को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।